हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। तो पटना की हमने अनीता की कहानी आपको बताई है, अब कोलकाता की भी बात कर लेते हैं। कोलकाता की रहने वाली एक लड़की ने कोरोना को मात दे दी है। देखिए, कोरोना को मात देने वाली इस लड़की के हौसले को लोग सलाम कर रहे हैं, और इसीलिए नमस्ते भारत में हम ये खबर आपके लिए लेकर आए हैं। अब ये लड़की लोगों से कोरोना से कैसे बचना है, कैसे सावधानियां बरतनी है, ये अपील करे, क्योंकि खुद उसने ये जंग लड़ी है। माँ आरती उतार रही है, आसपास के लोग ताली बजाकर उनके हौसले को सलाम कर रहे हैं। तस्वीरों में नजर आ रही इस लड़की का नाम मोनामी विश्वास है, जो कोरोना जैसी बीमारी को मात देकर अस्पताल से अपने घर लौटी है। मोनामी हाल ही में स्कॉटलैंड से कोलकाता आई थी और कोरोना से संक्रमित हो गई थी, जिसके बाद उनका इलाज कोलकाता के एक अस्पताल में चल रहा था। मोनामी ठीक होकर घर तो लौट आई है, लेकिन अभी उन्हें 14 दिनों तक घर में ही रहना होगा। हाँ, मुझे 14 दिन क्वारंटाइन रहना होगा, उसके बाद ही मैं फर्स्ट टेस्ट करूँगी जाके, फिर उसके बाद जो रिजल्ट आएगा उसके बाद मैं बाहर निकलूँगी। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना चाहिए, हम लोगों के लिए अच्छा है लॉकडाउन, हम लोगों के लिए कर रहा है, तो आई थिंक मानना चाहिए ये। कोरोना को मात देने वाली मोनामी विश्वास लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करने की अपील कर रही हैं, क्योंकि कोरोना से लड़ने का सबसे कारगर हथियार यही है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग और लॉकडाउन का पालन करें। क्यों है एबीपी लाइव न्यूज लवर्स का फेवरेट? वर्क डेडलाइंस में भी स्टे अपडेटेड ऑलवेज, सो स्मार्ट कि ये करे सिर्फ ब्लू टिक वाली न्यूज पिक। जस्ट लाइक घर जैसा कंफर्ट है बेस्ट, वैसे ही अपनी लैंग्वेज में न्यूज की फील है लिट। एनी टाइम फूड डिलीवरी के टाइम पर मिलिए अपने फेवरेट एंकर से किसी भी टाइम। एबीपी लाइव ऐप के साथ रहो सबसे आगे। डाउनलोड नाउ। हर सुबह कीजिए दिन की परफेक्ट शुरुआत खबरों के साथ, क्योंकि यहाँ है खबरें काम की और कहानियाँ कमाल की। देखिए नमस्ते भारत सुबह 6 बजे से 10 बजे तक एबीपी न्यूज पर।